नमस्कार, मैं सुमन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी मिश्रा के साथ न्यूज यूपी 78 के स्टूडियो से। भारत सरकार ने आज से करीब 1.5 महीने पहले पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन शुरू करा था। मोदी जी ने एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया और फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने 15 दिनों के बाद उन्होंने लोगों से अपने घरों में छतों पर खड़े होकर ताली बजाने को कहा और शंख, घंटे, घड़ियाल और थाली बजाने को, जो भी उनके लोगों के पास हो वो बजाएं। उसके बाद एक कार्यक्रम और हुआ रात को 9 बजे कि आप लोग अपने घरों में एक एक दीपक जलाएं। सारे उद्देश्य पूर्ण रूप से स्पष्ट थे, लेकिन और सबसे ये आह्वान करा जाता जा रहा था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन फिर पता नहीं अचानक सरकार के मन में क्या कौंधा और उन्होंने लॉकडाउन के कुछ पीरियड को खोलने की कोशिश करी और कानपुर के रेड जोन जो है वहां की शराबों को के शराब की दुकानों को खोल दिया। एक तरफ जहां लाखों मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिन तक अन्न नहीं पहुंच पा रहा है, एक तरफ वो लोग हैं जो 1100 1200 किलोमीटर पैदल की यात्रा करके अपने घर की तरफ चल दिए हैं, और दूसरी तरफ आप ये नजारा देख सकते हैं। क्या क्या मंशा क्या है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लोगों से दूरी बनाएं, अपने घरों में रहें, तो इसको करने का क्या मतलब है? वो भी रेड जोन में आपने शराब की दुकानों को खोल दिया। हाँ, कि सरकार चाहती क्या है? मुझे लगता है कि सरकार अपने ही स्टेटमेंट पर स्टे नहीं कर पा रही है। सरकार कहीं भटक गई है क्या? योगी सरकार के राज्य में अगर कुछ खुलना था तो आप और अधिक दवा की दुकानें खोलते, और अधिक राशन की दुकानों की कुछ व्यवस्था करते। एकदम से आपके मन में, उत्तर प्रदेश सरकार के मन में यह क्या आ गया कि शराब की दुकानों को भी खोला जाएगा? क्यों? इस देश में अस्पताल खुलने की बात होनी चाहिए, आपने शराब की दुकान खोल कर रख दी। कौन पूछेगा आपसे योगी सरकार के राज में? क्योंकि योगी जी, आपके चाहने वाले बहुत हैं और आपके चाहने वाले इतने हैं कि अगर हम इतनी बात भी करेंगे तो मेरी पत्रकारिता पर ही असर आ जाएगा और लोग कहेंगे सुमंत मिश्रा गद्दार है, देशद्रोही है, भाजपा विरोधी है, योगी विरोधी है। लेकिन इसका मंशा जो आपके मन में, वो तो लोगों को पता होनी चाहिए ना। शराब आदमियों ने खरीदी है और वही पिएंगे, लेकिन योगी जी ये तो सोचिए, जब ये शराब पीकर ये घर पहुंचेंगे तब इनकी पत्नियों का, इनके बच्चों पर, इनके बूढ़े मां बाप पर इसका क्या असर पड़ेगा? पिछले 1.5 महीने से सारा देश आपके आह्वान पर, भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर अपने घरों के अंदर कैद है और लोगों से आप कह रहे हैं बचाव का एकमात्र साधन है कि आप अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दारू खरीदते वक्त तो हो सकता है वो कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भी ले, क्या पीने के बाद उस किसी डिस्टेंसिंग का वो पालन कर पाएगा क्या? ये अच्छी खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी तक जो सामाजिक संस्थान यहां पर लोगों को राशन बांट रहे थे, अभी तक वो लोग जो पाई पाई को मोहताज थे, अब वो शराब की दुकानों में लाइन लगा करके शराब खरीद रहे हैं। और इसमें से कुछ लोग, हो सकता है कुछ ऐसे माफिया भी लगे हो जिन्होंने ज्यादा शराब खरीद लियो और बंदी के दौरान भी उसको ज्यादा मूल्य पर बेचने का प्रयास भी करें, जो अभी पिछले लॉकडाउन में हुआ है। सरकार की मंशा समझ नहीं आई। इतना कौन सा राजस्व दे देती है सरकार? क्या ट्रेनें राजस्व नहीं देती हैं? क्या चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन राजस्व नहीं देते हैं?
क्या शहर के अंदर चलने वाली आरटीओ से परमिटेड गाड़ियां क्या आपको राजस्व नहीं देती हैं? कि एक शराब ही है जो राजस्व देती है? क्या मेडिकल में बिकने वाली दवाइयों पर बनने वाले पर्चों पर आपको राजस्व नहीं मिलता है? एक शराब ही एक ऐसी बच्ची है जो आपको राजस्व देती है, बाकी आपको कोई राजस्व नहीं देता है। आपने फीस माफी पर नहीं सोचा, आपने बिजली का बिल माफ करने पर नहीं सोचा। अगले आगे आने वाले 2-3-4 महीने के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, इस पर आपका कोई मंथन नहीं है। आपको शराब की दुकान खोलने की इतनी उत्सुकता क्यों आ गई कि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा आपने बताया कि कल से 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। रेड जोन की भी खोल दी सर आपने, अभी तक तो बात ग्रीन जोन की थी, लेकिन आपने तो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, सारे जोन की आपने दुकानें ही खोल दी। ये मंशा आपकी समझ नहीं आई। प्लीज, अगर वाकई में कुछ करने का वक्त है तो इस पर मंथन करने का वक्त है। हमें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा आदेशित पालन की सही माने में आज धज्जियां उड़ गई हैं। लॉकडाउन की धज्जियां उत्तर प्रदेश की हर शराब की दुकान में उड़ाई गई है, भरपूर उड़ाई गई है, और पूरी ईमानदारी के साथ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है कि कल मैं बोलने लायक ही ना रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।